तो दोस्तों इस स्मॉल कैप मार्केट लीडर के Q4 के नंबर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे रहे हैं रिजल्ट आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। क्या यहाँ पर पॉजिटिव हैं, क्या यहाँ पर नेगेटिव हैं, ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हालांकि देखिए पॉजिटिव ज्यादा है इसमें, लेकिन एक आध नेगेटिव भी है, उसकी वजह से हो सकता है दोस्तों शेयर प्राइस में हमको थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिल जाए, तो इसकी बात भी हम करेंगे। और आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैनेजमेंट की क्या यहाँ पर कॉमेंट्री रही है। देखिए मैनेजमेंट की कॉमेंट्री दोस्तों सुनना जरूरी है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि उससे पता चलता है कि भैया मैनेजमेंट यहाँ पर क्या सोच रहा है अपने बिजनेस के लिए, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या यहाँ पर उनके फ्यूचर प्लान्स है, क्या उनकी यहाँ पर आगे की गाइडेंस रहने वाली है। तो इससे हमको दोस्तों आइडिया मिल जाता है कि आगे कैसा बिजनेस परफॉर्म कर सकता है और हम कन्विक्शन के साथ उस बिजनेस को होल्ड कर सकते हैं। और एंड में बताऊंगा दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे आपको अगले टारगेट इसके क्या रहेंगे, नेक्स्ट टारगेट। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको टेक्निकल चार्ट पे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कंपनी की बात करूँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही शानदार है। आज ही मैंने इसका वीडियो बनाया है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कौन सी कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, नाम है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक दिग्गज कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों ये। देखिए अराउंड 2.70% की हमको इसमें गिरावट देखने को मिली, उसके पीछे रीजन है दोस्तों क्योंकि रिजल्ट आने वाले थे और रिजल्ट से पहले दोस्तों थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी तो रहती ही है शेयर में। अगर हम देखिए बात करें ईयर टिल डेट और इसका हाइएस्ट मैं बताऊं, देखिए 2500 का इसने अपना टॉप बनाया था, उसके बाद से हम देखें तो एक दोस्तों टाइम करेक्शन में चला गया। देखिए मई फेब से लेकर मई तक, मतलब पिछले तीन चार महीनों में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव में इसने 4% के रिटर्न दिए हैं, मतलब कि यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया है। और आप देखेंगे कि इसने ब्राउंडिंग बॉटम का काइंड ऑफ पैटर्न दोस्तों बना रही है, तो अभी क्या इसके टारगेट रह सकते हैं आगे, वो अभी मैं टेक्निकल चार्ट पे आपको बताऊंगा। मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है दोस्तों ये, आप देखिए 2019 से लेकर 2021 तक मतलब 500% के रिटर्न इसने दे दिए, मतलब शानदार दोस्तों ये ग्रोथ दिखाई है इसने और आगे भी ये पोटेंशियल रखती है ऐसे ही ग्रो होने का। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने पूरा बिजनेस मॉडल आपको समझाया है, आगे फ्यूचर में क्या इनके प्लान्स हैं, क्या मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, सब बताया दोस्तों उस वीडियो को। आप इस वीडियो के बाद जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी इनसाइट वहां पर मिलेगी। तो चलिए रिजल्ट पे चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये मार्च 31, 2021 का रिजल्ट है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये लैक्स में वैल्यू है दोस्तों, आपको मैं करोड़ में बताऊंगा। 247 करोड़ का जो रेवेन्यू था बढ़ के हो चुका है दोस्तों 482 करोड़। तो आप देखेंगे जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू था वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ उससे दिखाई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करें तो देखिए आप दोस्तों यहाँ पर भी ग्रोथ, तो रेवेन्यू दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है इनका। मैं बात करूँ अब नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आप देखिए 7 करोड़ का प्रॉफिट जो था बढ़ के हो चुका है 11 करोड़, तो यहाँ पर भी हमको ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर जो पिछले साल Q3 FY21 की बात करूँ, यानी पिछला दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट की बात करूँ, तो उससे थोड़ा बहुत दोस्तों हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कम जो है गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे रीजन है दोस्तों इनका टैक्स। जी हाँ दोस्तों, टैक्स एक्सपेंसेस अब की बार इनके कुछ ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों ये जो है वन टाइम है, ऐसा नहीं है हमेशा ही देखने को मिलेगा। और ओवरऑल दोस्तों रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहे हैं ईयर ऑन ईयर देखे तो। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों हमको ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर पे ही फोकस करना चाहिए, उसमें दोस्तों हमको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगता है। देखिए EPS की बात करें तो 3 रुपये का EPS बढ़ के हो गया 5 रुपये का, तो ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ है। वहीं थोड़ा बहुत दोस्तों गिरावट देखने को मिली है EPS में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये मैंने आपको बताया अभी रीज़न। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव है कि एक क्वार्टर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसमें हमको प्रेशर देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करें रिजल्ट दोस्तों काफ़ी अच्छे रहे हैं। चलिए मैं आपको इसको परसेंटेज टर्म में और मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी उसी में दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हिंदुस्तान फूड के रिजल्ट हैं, आज के ये रिजल्ट हैं। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखेंगे तो नेट इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जो कि टॉप लाइन है 25% का इजाफा हुआ है जैसा भी मैंने आपको बताया। लेकिन नेट प्रॉफिट में 8.64% की गिरावट देखने को मिली, बिकॉज आपको रीजन मैंने बताया दोस्तों टैक्स एक्सपेंसेस इनके अब की बार देखने को मिले। EPS में भी हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिए दोस्तों आप ऑलमोस्ट 100% की रेवेन्यू में ग्रोथ, ठीक है 54% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, 50% की EPS में ग्रोथ। तो ये एक दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप पूरा देखिए ईयर एंडेड भी देखें तो शानदार, देखिए टॉप लाइन 80% के आसपास ग्रो हुई है, बॉटम लाइन 57% के आसपास ग्रो हुई है, EPS 47% के आसपास ग्रो हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ईयर एंडेड में आप देखेंगे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। और जो इनके मैनेजमेंट ने क्या यहाँ पर कॉमेंट्री दी है उसको चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर समीर कोठारी जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है, देखिए मैं आपको समरी देने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। आपको पता है दोस्तों FY21 का जो फर्स्ट हाफ था उसमें जो कोविड रिलेटेड इश्यूज थे, जिसकी वजह से शटडाउन हुए, लॉकडाउन हुए, तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों इनकी फैक्ट्रीज बंद थी, तो फर्स्ट क्वार्टर जो था वो अच्छा नहीं गया। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। देखिए
इन स्पाइट ऑफ दैट दिस ईयर एंडेड बीइंग द बेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी सो फार। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसके बावजूद मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है दोस्तों, जिसकी वजह से इन्होंने स्टिल यहाँ पर अच्छे प्रॉफिटेबल यहाँ पर जो है अपनी अपनी बॉटम लाइन टॉप लाइन को अच्छा ग्रो किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इनका दोस्तों टारगेट है, देखिए वी एट HFL यानी हिंदुस्तान फूड लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू व्यू दिस ईयर एज ए माइथोलॉजिकल काइरोस टाइम एंड विल कंटिन्यू टू एग्रेसिवली लेवरेज द अपॉर्चुनिटीज दैट द मार्केट प्रेजेंट्स अस। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग द अर्लियर गाइडेंस ऑफ अचीविंग आवर गोल टू ₹2000 करोड़। तो ये दोस्तों इस पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में भी हाईलाइट किया था, जो इनका टारगेट है जो इन्होंने अभी यहाँ पर बताया, देखिए 2000 करोड़ का ये अचीव करने वाले हैं FY22 में। और अगर मैं FY21 की बात करूँ तो अभी करीब 1100 करोड़ के आसपास यहाँ पर दोस्तों ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपने अभी देखा, मैंने आपको रेवेन्यू बताया, तो यहाँ से दोस्तों ये डबल, ऑलमोस्ट डबल यहाँ से अपने टारगेट अचीव करने वाले हैं और दे आर कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस दोस्तों मैनेजमेंट का होता है ना, तो यहाँ पर कन्विक्शन आती है बिजनेस मॉडल को होल्ड करने की। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया दोस्तों और डिटेल में समझाया था क्या इनके केपेक्स प्लान है, क्या यहाँ पर ग्रोथ है, ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, और क्या यहाँ पर जो है ये अलग बिजनेस सेगमेंट में जा रहे हैं, तो उसका भी मैंने आपको डिटेल में समझाया, तो उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा। तो ये समरी मैंने आपको दे दी दोस्तों। यहाँ पर मैं ये मेन चीज़ है पढ़ने वाली जो है कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, तो ये चीज़ है दोस्तों इसमें एक क्रक्स जो आपको जानना जरूरी है। तो ये है दोस्तों रिजल्ट, ओवरऑल आप बात करें तो रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बताऊं तो क्वार्टर एंड क्वार्टर दोस्तों थोड़े से यहाँ पर मार्जिनली हमको डिक्लाइन देखने को मिला है, और इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये कारण हो सकता है कल हमको शेयर प्राइस थोड़ा बहुत और करेक्शन होते हुए देखने को मिले, लेकिन दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आएगी अगर करेक्शन हुआ तो। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया भी, पिछले फेब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में जो है टाइम करेक्शन में जा चुका है। तो अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ तो करीब ये 2200 तक आ सकता है। 2200 पे दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी होगी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रैब करने की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका एक 50-day मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, काफ़ी टाइम से जो है लेता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। देखिए ये पूरा 50-day मूविंग एवरेज का सपोर्ट है इसका, जो ये यहाँ पर लेता है हमेशा। तो ये 50-day तक मूविंग एवरेज तक आएगा तो दोस्तों ज़रूर आप बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बाय कीजिएगा। अब ये जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर हो सकता है ये ब्रेक कर दे, ये तो मार्केट में देखिए कल पता चलेगा हमको दोस्तों कैसे रिएक्ट करता है ये, क्या नेगेटिवली रिएक्ट करता है या फिर पॉजिटिव रिएक्ट करता है, ये तो मार्केट ही बता सकता है दोस्तों। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को कोई भी दोस्तों यहाँ पर टाइम नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, तो हम भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर जो है अपने एनालिसिस के बेसिस पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों इसने ये अपना मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो इसका अगला टारगेट क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर काइंड ऑफ एक आप देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अब ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जी हाँ दोस्तों इसका, इसने ब्रेकआउट दिया है तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो यहाँ पर और यहाँ से फिर ये भागे। तो मैं आपको टारगेट बताना चाहूँगा इसके क्या हो सकते हैं, तो ये टारगेट होंगे दोस्तों करीब जो इसका बेस है उससे ऊपर, तो यहाँ से जो इसकी नेक लाइन है ऊपर, तो ये टारगेट होंगे दोस्तों। अगर ये रिट्रेस हुआ तो आपको यहाँ पर देखिए ये जाता हुआ देखने को मिलेगा अपने ऑल टाइम हाई तक, वो होगा इसका 2600। जी हाँ दोस्तों, इसका 2600 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि सॉरी करंट मार्केट प्राइस से बताना था मुझे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 2700 तक जाता हुआ ये देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 15% का। लेकिन दोस्तों इसको आप एक लॉन्ग टर्म स्टोरी की तरह प्ले कीजिए, कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकती है हिंदुस्तान फूड लिमिटेड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस दोस्तों काफ़ी यूनिक बिजनेस है, और इसके अब इस बिजनेस को दोस्तों काफ़ी जो भी FMCG जो कंपनीज हैं वो काफ़ी दोस्तों अप्रोच कर रही हैं, क्योंकि उनका दोस्तों वहाँ पर कॉस्ट का काफ़ी बेनिफिट होता है अगर वो यहाँ पर आउटसोर्स करती हैं अपने बिजनेस को। और ये कंपनी दोस्तों एक दिग्गज है जिसका क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, पिछला वीडियो दोस्तों आप जरूर जाके देखिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन है डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।